प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। मत्ती का सुसमाचार 13वें अध्याय में अगला दृष्टांत की ओर हम जाने जा रहा है। 13वें अध्याय में उसकी 33वीं आयत में यीशु ने बोला, उसने एक और दृष्टांत उनसे सुनाया, स्वर्ग का राज खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वो सब खमीरा हो गया। आप इस दृष्टांत को समझ सकते हैं। 5 लीटर दूध के अंदर थोड़ा से दही डाल दो, पूरा दूध दही बन जाएंगे। 5 किलो आटा में थोड़ा से खमीर डाल दो, पूरा खमीरा हो जाएंगे। इसी प्रकार परमेश्वर का राज्य भी है, स्वर्ग राज्य भी है। आप थोड़ा छोटा होगा, आप काफी है। आपके द्वारा आपका पूरा परिवार आशीषित हो सकता है, आपका पूरा इलाका, आपका पूरा देश, आपका पूरा गांव आपके द्वारा परमेश्वर का राज्य में आ सकता है, स्वर्ग राज्य का समान हो सकता है। एक छोटा से थोड़ा से खमीर पूरा आटे को जिस प्रकार खमीर बनाते हैं, इसी प्रकार आप परमेश्वर का राज्य का प्रोडक्ट है, स्वर्ग का राज्य का प्रोडक्ट है। आपके द्वारा परमेश्वर ऐसे सब कुछ को जो गंदा होगा, जो अच्छा नहीं होगा, लेकिन आपको, आप एक व्यक्ति के द्वारा, आप एक व्यक्ति के प्रभाव के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आपका जीवन शैली के द्वारा, आपके आत्मिक जीवन के द्वारा, आपकी आपकी आराधना प्रार्थना के द्वारा आप एक व्यक्ति जो है स्वर्ग राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्वर्ग राज्य का सामर्थ्य आपको दिया गया है, स्वर्ग राज्य का कल्चर आपको दिया है, स्वर्ग राज्य का सारे अधिकार और सौभाग्य आपको दिया गया है। और आपके पास वो क्षमता है जो कोई भी आपको टच करता है, जो कुछ भी आपको एसोसिएट करता है, जो लोगों के साथ आपकी संगति होता है, मुलाकात होता है, आप उन सबको इन्फ्लुएंस कर सकता है, इंपैक्ट कर सकता है, उन सबके जीवन में असर डाल सकता है। जिसे बाइबल कहते हैं बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है, इसी प्रकार आप बुरे चरित्र को भी सही कर सकता है, बिगड़े हुओं को सुधार सकता है। आपके अंदर वो क्षमता है, वो पवित्र आत्मा, वो सामर्थ्य आपके अंदर है। आपकी आसपास की, आपके साथ एसोसिएट करने वाले सबका जिंदगी को आप बदल सकता है, आप सुधार सकता है, आप शुद्ध कर सकता है। ऐसे क्षमता प्रभु ने आपको दिया है, इसलिए आप अपना आपके अंदर दिया हुआ उस अभिषेक को, सामर्थ्य को समझे, आप हजारों के जीवन को बदलने वाला बने। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू। शालोम। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।